नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नमस्कार, लाइव सिटीज के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं बिमलेंदु। पटना से एक दुखद समाचार है। कलेक्ट्रेट घाट पर गंगा नदी में जल भरने गए 4 छात्रों की मौत हो गई है। एक बहुत ही बड़ा हादसा है। आपको जैसे कि जानकारी होगी कि बिहार में अभी चैती छठ का पर्व आने वाला है और चैती छठ में लोग जैसे शरद ऋतु में जो छठ पर्व मनाया जाता है, जिसमें जो नियम कायदे अपनाए जाते हैं, वही नियम इस पर्व में भी होता है। जब खरना का त्योहार मनाया जाता है छठ में 2 दिन पहले, और गंगा नदी से जल लाकर पवित्र प्रसाद उसे बनाया जाता है और लोग गंगा जल का उसमें इस्तेमाल करते हैं। 4 छात्र यहाँ के बहुत ही व्यस्त कलेक्ट्रेट घाट पर बीच गंगा नदी में चले गए थे और वो उनके डूब जाने की खबर है। 1-2 तस्वीरें आई हैं, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन कभी भी एक घटना के बाद दूसरी घटना के प्रति ज्यादा दिनों तक सचेत नहीं रहती है। आपको याद होगा गांधी मैदान में रावण वध के दौरान एक हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी और कई लोग मारे गए थे। इसके बाद प्रशासन ने कई बातें कही थी कि इतनी शक्ति बरती जाएगी, नियमों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी, इसका ध्यान रखा जाएगा, भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर आपको याद होगा कि मकर संक्रांति में जो गंगा के उस पार में पतंग महोत्सव मनाया जा रहा था, तो कुछ लोग गंगा नदी पार करके उस पार गए थे और नौका जो है सो बीच नदी में डूब गई थी और कई लोग मारे गए थे। बाद में प्रशासनिक पहल पर सारण जिला के जो सोनपुर क्षेत्र में वो पड़ता है, दियरा का क्षेत्र, तो कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। फिर उसके बाद प्रशासन इस मामले में बिल्कुल शिथिल सी हो गई। पिछले साल छठ में यह नियम बनाया गया था कि गंगा नदी में कोई नाव बगैर प्रशासनिक अनुमति के नहीं चलेगी। इसका नियम की कई जगह अवहेलना हुई थी, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई थी। इस बार जब ये चैती छठ का समय है तो प्रशासन मान लो इसके प्रति बिल्कुल ही बेफिक्र सा हो गया था और ये दुर्घटना देखने को मिली है। पता नहीं प्रशासन हमेशा किसी दुर्घटना की आशंका को लेकर सचेत क्यों नहीं रहती है। यह बिहार से ये दुखद समाचार है। नमस्कार, आप हमारे लाइव सिटीज के बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल पर, हमारे वेबसाइट पर, हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बाकी खबरों के लिए